ओशो का एक पुस्तक है, पीवत राम रस लागी खुमारी। बुद्ध पर उन्होंने कहा है और कबीर पर उन्होंने कहा है। कबीर से उनको बहुत लगाव था, वो बुद्ध को मानते थे लेकिन कबीर को भी उतना ही मानते थे, क्योंकि कबीर का अपना व्यक्तित्व तो अलग ही था, जो बिना सजाया बिना सवारा एक जंगल बिहड़ जंगल में उपजा हुआ, जंगल का सौंदर्य ही कुछ अलग होता है, वैसे ही कबीर है। वो लिखते हैं, कहते हैं, कबीर निश्चय ही मुझे अति प्रिय है, कारण बहुत है। बुद्ध से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन बुद्ध राजमहल के एक उपवन है, सुंदर फूल खिले हैं, बड़ी सजावट है बगिया में, बड़ी रौनक है, परिष्कार है, लेकिन जंगल की जो सहजता है, स्वाभाविकता है, उसका अभाव है। बुद्ध अगर उपवन है तो कबीर जंगल है, और जंगल का अपना सौंदर्य होता है, अछूता कुंवारा, न तो मालियों ने सवारा है, न शिक्षा है, न संस्कार है। कबीर वैसे ही है, न ज्ञान है, और फिर भी परम प्रकाश का अनुभव हुआ है। शिक्षित परिष्कृत व्यक्ति को जब परम प्रकाश का अनुभव होता है तो स्वभावतः उसकी अभिव्यक्ति जटिल होगी, दुरूह होगी, उसको समझना सहज नहीं होगा। चाहे या ना चाहे वह उसकी अभिव्यक्ति में सिद्धांत की छाया होगी, उसकी अभिव्यक्ति अनगढ़ नहीं हो सकती है। कबीर की अभिव्यक्ति अनगढ़ है। ऐसा हीरा जो कभी किसी के हाथ में नहीं गया, बस अभी अभी खान से निकला, जौहरी के हाथ ही नहीं पड़ा, न छैनी लगी न पहलू उभरे। वैसा ही है जैसा परमात्मा ने बनाया था, वैसा ही है जैसा मानो प्रकृति के द्वारा मिला था। आदमी ने अभी अपने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए दूर हिमालय के पहाड़ों पर कुंवारे जंगल में जो सन्नाटा है, जो संगीत है, जो गहन मौन है, जो प्रगाढ़ शांति है, वही ही कुछ कबीर में है। कबीर को समझना सहज नहीं है। वो अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने वाले महापुरुष है। कबीर के साथ साथ भारत में बुद्धों की नई श्रृंखला शुरू होती है। नानक, रैदास, फरीद, मीरा, सहजो, दया, यह एक अलग श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, यह अलग श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर और कृष्ण राजमहलों के गीत है, जबकि कबीर, नानक, फरीद झोपड़ों में बजी वीणा है। राजमहल में गीत का पैदा हो जाना बहुत आसान है, ना हो तो आश्चर्य, हो तो कोई आश्चर्य नहीं। राजमहल में जो रहा है वो भी जाएगा, राजमहलों में जो जिया है जगत से उसकी आसक्ति टूट जाएगी। लाख संभालना चाहे, बचाना चाहे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ऐश्वर्य, साधन, संपन्नता, हर चीज की सुविधा, भोग, हर चीज मिलता है, उस ऊब बजाना बहुत सहज बात है। लेकिन निर्धन है, जो धन के आशा होती है, निर्धन को धन की आशा होती है, लगता है मिल जाएगा, धन तो सब मिल जाएगा, फिर पाने की कुछ और क्या। लेकिन जिसको सब मिला है उसकी आशा के लिए कोई आकाश नहीं बचता। जिसको सब कुछ मिल चुका है उसकी आशाएं नहीं रहती, बस वो तो सबसे हटना चाहता है। उसके हाथों तो सिर्फ निराश रह जाती है, हाथ सिर्फ निराश रह जाती है, हताश रह जाती है। बुद्ध के पास सब था,
कबीर के पास कुछ नहीं, बुद्ध के पास क्या नहीं था, कबीर के पास क्या था। इसलिए बुद्ध अगर संसार की आपाधापी से छूट गए या दौड़ अगर व्यर्थ हो गई तो ना कोई आश्चर्य है। राजमहल में रहकर भी अगर कोई संन्यास्त न हो तो महामूढ़ होगा। महावीर देख सके तो ठीक, लेकिन कबीर देख सके तो बात अनहोनी होती है। जैसा मैंने कहा कि महलों में सिर्फ बुद्ध ही उलझे रह सकते हैं, वैसे ही यह स्मरण रखना है कि झोपड़ों में केवल अति प्रज्ञावान ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए कबीर के स्वभावतः मेरा लगाव गहरा होता जाता है। और चूंकि कबीर अनपढ़ है, उनकी वाणी में एक चोट है। कबीर अनगढ़ है, उनकी वाणी में एक चोट है। बुद्ध की वाणी सुकुमार है, फूल जैसी कोमल। कबीर की वाणी यूं पड़ती है जैसा किसी ने चट्टान सिर पर गिरा दी हो। कबीर खड़ा बाजार में लिए लोहठी हाथ, लठ लिए हाथ में खड़े हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लोहठी हाथ, घर बारे जो आप ना चले हमारे साथ। हो हिम्मत घर को जला डालने की, राख कर देने की, तो आओ हो लो हमारे साथ। और लठ लिए खड़े हैं, कहते हैं यह लुकाठी यह लठ क्यों। कबीर तो यूं गिरते हैं जैसे खड़क धार गर्दन पर गिरती हो। बुद्ध भी काटते हैं, लेकिन काटने में एक कुशलता है, तरकीब है, एक कला है, सूक्ष्म मार है। और कबीर तो सीधे सीधे उठाते हैं कुल्हाड़ी और दो टुकड़े कर देते हैं। कबीर के वचनों में आग है, आगने है। उनके वचन बुद्ध के वचनों में कोई शीतलता भी होगी, कोई संतावना भी खोज सकता है बुद्ध के वचनों में, क्योंकि शीतल है। कबीर के वचनों में संतावना खोजनी असंभव है, वह तो जलती क्रांति है। वहां तो जो राख होने को तैयार हो उसी के लिए निमंत्रण है। फिर चूंकि बुद्ध की सारी दीक्षा सारी शिक्षा तर्क की थी, एक राजकुमार की तरह उन्हें शिक्षित दीक्षित किया गया था, इसलिए जब वे बोलते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति में तर्क का आधार है, दार्शनिकता है, गणित है। लेकिन कबीर बेबूज है, पहली है, उलटवासी है। तर्क का उन्हें कोई कुछ पता ही नहीं था, संगीत का उन्हें कुछ हिसाब ही नहीं था। चूंकि संगीत बिठालने का उन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए सत्य उनमें जिस परिपूर्णता से प्रकट हुआ है वैसा बुद्ध में नहीं हो सकता। बुद्ध को तो सिखाया गया, उससे ऊब करके निकला है, लेकिन कबीर अपने आप में जागृत हुआ है। बुद्ध में तो सत्य कट छट कर आएगा, निखार लेकर के आएगा। सत्य ऐसा आएगा जो तुम्हारी बुद्धि को रुचे पचे। सत्य में बुद्ध के साथ राजी हो जाना बहुत कठिन नहीं। बुद्ध की पूरी प्रक्रिया बुद्धवादी है, रैशनल है। इसलिए बुद्ध ने उन्हें उन सार प्रश्नों को ही कभी उठाया नहीं, इनकार कर दिया।
उन प्रश्नों का अव्याख्या कर दिया जिन प्रश्नों में विरोधाभास अनिवार्य है। उन्हें कहना हो तो कबीर की उलटवासी ही कहने पड़ेगी। जैसे कबीर कहते हैं, एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग। बुद्ध नहीं कह सकते अचंभा उन्होंने भी देखा नदिया में लगी आग, उसने भी देखी है, लेकिन बुद्ध कह नहीं सकते। यह उनकी शिक्षा दीक्षा रोकेगी, उनका संस्कार रोकेगा कि ये कैसे कहूं, प्रमाण कहां से लाऊंगा, तर्क कहां से जुटाऊंगा, यह बात तो देखी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मैं विधि बताऊंगा कि तुम्हें भी ले चलूं उस नदी के किनारे, फिर तुम्हें देख लेना, देख लोगे तो समझ लोगे, मगर मैं ना कहूंगा कि नदिया में आग लगी। बुद्ध कहते हैं, वह बात ही में पूछो, वह बात ही मत पूछो, चलने की राह पूछो, पहुंचने का मार्ग पूछो, विधि पूछो, विधान पूछो, मगर यह मत पूछो कि वह अनुभव क्या है। कबीर गांव के गंवार बेफिक्र से कह देते हैं कि नदी में आग लगी, नदी में कहीं आग लगती है क्या? विवाद करने बैठोगे तो कबीर मुश्किल में पड़ेंगे, कैसे समझाएंगे कि नदी में आग लगी। कबीर ऐसे बहुत ही अचंभों की बात करते हैं, मछली चढ़ गई रूख, वृक्ष पर मछली चढ़ गई, मछली के कोई पैर होते हैं कि वृक्ष पर चढ़ जाए? कभी सुना है, देखा है कि वृक्ष पर मछली चढ़ जाए, लेकिन कबीर जब कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन है। कबीर ऐसे नहीं कह देते हैं, लेकिन प्रयोजन तर्कातीत है। मगर कबीर को फिक्र है कहां की बात तर्क में बैठती है या नहीं, गणित के ढांचे में समाती है या नहीं, कबीर को चिंता ही नहीं। कबीर को कोई ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं जिसमें ढांचे में बिठालना हो, चौखटों में तर्क के बिठालने का उनका कोई स्मरण ही नहीं है। कबीर अभी अभी पश्चिम के कुछ चित्रकारों ने उनकी अलकर्तियों में फ्रेम लगाना, चौखट लगाना बंद कर दिया। पूछे जाने पर उन चित्रकारों ने कहा कि जगत में किसी चीज पर कोई फ्रेम तो होती नहीं। जैसा तुमने एक सूर्यास्त्र का चित्र बनाया तो सूर्यास्त्र पर तो कोई फ्रेम ही नहीं होती, यहां शुरू हुआ या समाप्त। ना कहीं शुरू होता है ना कहीं समाप्त होता है, फैलता ही चला जाता है, दोनों तरफ अंत अनंत में अनंत दिशाओं में फैलता चला जाता है, सब आयामों में फैलता चला जाता है। लेकिन जब तुम चित्र बनाओगे तो तुम्हारे कैनवास की तो सीमा होगी, फिर सीमा ही नहीं होगी। तुम चित्र को फ्रेम भी दोगे, सुनहला सुंदर बेस कीमती, और फ्रेम देते ही इन चित्रकारों का कहना है कि तुम्हारा सूर्यास्त झूठ हो गया, असली सूर्यास्त पर तो कोई फ्रेम नहीं, फ्रेम नहीं, कोई चौखट ना था, तुमने यह चौखट कैसे जड़ दी। तर्क भी एक चौखट है, सुंदर चौखट है, बड़ी सुनहली है, खूब नकाशी है उसमें, बड़ा बारीकी काम है, बड़ी कारीगरी है, लेकिन सत्य पर कोई चौखट नहीं होती। बुद्ध ने और महावीर ने जो कहा उस पर तर्क की चौखट है, मजबूती थी उनकी, उनको मुश्किल था यह कहना, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा यूं ही थी कि ऐसा बेबूज बात जो कबीर कह सकते हैं कोई संकोच नहीं, वैसा बुद्ध महावीर कैसे कहे। उनको खुद की अड़चन मालूम होती है कि कोई अगर और कहता तो हम विरोध करते तो हम कैसे कहे। देखा तो उन्होंने भी सूर्य अस्त जिस पर कोई सीमा नहीं, देखा तो उन्होंने असीम है, असीम को, अनंत को,
जिसमें सारी असंगतियां तिरोहित हो जाती है और सारे विरोध लीन हो जाते हैं। लेकिन जब कहा है जब जो तर्क से सवारे ढंग से कहा है, इसलिए स्वभावतः बुद्ध के पास विचारशील चिंतकों का समूह इकट्ठा हुआ। पंडित इकट्ठे हुए, ज्ञानी इकट्ठे हुए, दार्शनिक इकट्ठे हुए। जितने दार्शनिक को बुद्ध ने प्रभावित किया, संभवतः किसी व्यक्ति ने कभी प्रभावित नहीं किया। दुनिया में दर्शन शास्त्र की जितनी शाखाएं प्रशाखाएं पैदा हुई, वे सभी शाखा प्रशाखाएं, वे सभी अंग उपांग अकेले बुद्ध के धारा में पैदा हुए। अगर बुद्ध के दर्शन की पूरी गंगा में कोई समझ ले तो उस दुनिया में कहीं किसी तरह की कोई दर्शन पैदा हुआ है, वह उसकी समझ में आ जाएगा। एक तरफ सारी दुनिया दर्शन शास्त्र, एक तरफ बुद्ध की अकेली गंगा, दोनों समतोल हो जाते हैं। फायदा भी हुआ और बुद्ध को यूं दार्शनिक इकट्ठे हुए। दार्शनिक निखार देते चले गए, लेकिन बात जितनी निखरी उतनी हवाई हो गई, उतनी वास्तविकता न रह गई, उतनी शाब्दिक हो गई। यह नुकसान भी हुआ, हर लाभ के साथ नुकसान जड़े हैं। बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी, सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ। कबीर के पास कौन इकट्ठा हुआ? ना कोई दार्शनिक आए, ना कोई चिंतक आए, ना कोई विचारक आए, उनको तो बात जची ही नहीं। उनको बात जचती कैसे? कबीर के पास कोई तर्क तो थे नहीं। अब कबीर लाख कहे कि मैं अपने आंखों से देखा कि नदी में आग लगी, मगर कौन मानेगा? लोग कहेंगे पागल हो, लेकिन दीवाने इकट्ठे हुए तो नुकसान एक दार्शनिक ना आए, चिंतक विचारक ना आए, पंडित ना आए, लेकिन लंबे अरसे में यह नुकसान लाभ का सिद्ध हुआ। दीवाने आए, मस्ताने आए, परवाने आए, होश गंवाने आए और एक और ही तरह के लोग जमात बैठी। तो कबीर के वचनों में एक अखंडता, एक परिपूर्णता, लेकिन जब भी किसी चीज की परिपूर्णता होगी तो उसके तर्क पर जाना पड़ेगा, उसे तर्क के चौखट पर पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कबीर से मुझे प्रेम है। और कबीर ने फिर एक नई धारा को जन्म दिया, उज्जड़ संतों की धारा। उन उज्जड़ संतों की भी अपनी खूबी है, वही खूबी जो जंगल के सन्नाटे में होती है, एक सागर में उठे तूफान में होती है, एक पहाड़ पर लग गई आग में होती है। वही कुआरापन, वही अलमस्ती, वही खुमारी कबीर को यूं समझो कि जैसे अमर ख्याम और बुद्ध दोनों का मिलन हो गया। जैसे उमर ख्याम और बुद्ध दोनों एक संबल बन गए, तो कबीर ने अलमस्तों की, फकीरों की, फक्कड़ों की एक अलग श्रृंखला को जन्म दिया। उस श्रृंखला में भाषा भी अपने ढंग से बनी। उस भाषा को भी एक अलग नाम लिया गया, मधु सधुकड़ी भाषा। कबीर के परंपरा में सदगुरु कबीर के बाद एक अलग संतों की टोली चली, उनके भाषा ही कुछ अलग थे, जिसे सधुकड़ी भाषा कहा गया। सधुकड़ी भाषा में फिर कोई तर्क नहीं पूछता, तर्क पूछना हो तो दार्शनिकों के पास जाओ, कबीर के पास तो सत्य को पीना ही हो तो बैठो, सत्य को घूट कर जाना हो तब बैठो। कबीर को ना तो किताबों का कुछ पता है, कहते हैं मसीह कागद छुओ नहीं कह, ये विद्वानों ने लिखा। कबीर सत्य बात कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे और सत्य के बीच
मैं वेद किताब किताब अर्थ कुरान बाइबिल इनको हटा दो, शास्त्र हटा दो और द्वार खुला और देखो, देख लो अपनी आंख से कि नदी में आग लगी है। नदी में आग लगी का मतलब यह होता है कि विरोधाभास मिल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। ऐसा जगत का रहस्यमय है, इसे रहस्यमय शून्य न करो, इसे तर्क के चौखट में बिठा कर मारो मत, सुखाओ मत, इसके प्राण को नष्ट न करो। इसलिए कबीर से आनंद मैत्री निश्चित ही मुझे लगाए और उनके एक एक वचन में हजार हजार वेद की तेप समा सकते हैं। अब यही छोटा सा वचन पियत राम रस लागे खुमारी, ठीक ऐसा ही नानक ने कहा है, नाम खुमारी नानक का चढ़ा चढ़ी रहे दिन रात। ये सब एक ही जमात के पकड़ है, ये सब रीद है, पियक्कड़ है। न खुमारी नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात, यह खुमारी ऐसी है कि चढ़ी तो चढ़ी उतरे उतरती ही नहीं है। जो आदमी आज शराब पीता है कुछ घंटों में नशा उतर जाता है, हर चीज का नशा उतर जाता है, लेकिन जो खुमारी वैराग्य की नशा चढ़ गया, जिसको श्रद्धा और भक्ति और आनंद अपने आप में मस्त होने की, एक ऐसा खुमारी चढ़ा उतरने वाला नहीं है। कबीर के इस वचन को एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कबीर बहुत शब्दों को शब्दों के मालिक नहीं है, थोड़े से शब्द, इसलिए एक एक शब्दों को डुबकी लगाना चाहिए, लगानी जरूरी है। पीवत राम रस लागे खुमारी, पहला शब्द तो पीना, सत्य को जानना नहीं है, पीना है, जीना है, कंठ के कंठ से उतर जाने देना है, झोपड़ी में नहीं भरना है, खोपड़ी में नहीं भरना है, प्राणों में अंतर अंग अंत तक पहुंच जाने देना है। क्योंकि चित्त कोई कुतूहल नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, प्यास है, और प्यास तो पीने से मिटेगी और भूख तो भोजन से मिटेगी। लाख प्यास से आदमी को सामने बैठा कर तुम जल की चर्चा करते रहो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, यह भी बता दो कि ऑक्सीजन और उद्जन के परमाणुओं से मिलकर जल बनता है, एक टू और ओ का फार्मूला भी पूरा समझा दो, फिर भी क्या होगा, प्यास कहेगा, प्यासा कहेगा बकवास बंद करो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे पानी से संबंध में नहीं जानना है, पानी के संबंध जानकर क्या करूंगा, जानने से क्या होगा, जानने को पीऊं, खाऊं, ओढ़ूं, क्या करूं, पानी दो, मुझे पानी पीना है। और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं है, किसी मरीज को कोई डॉक्टर दवाई देता है, ये जरूरी नहीं है कि दवाई कहाँ से आ, थाईलैंड से, एशिया से, अफ्रीका से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, इसकी जरूरी नहीं है। डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का गांव क्या है, ये जानना जरूरी नहीं है, बस डॉक्टर जो दवाई दे उसको खा लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता, क्योंकि यह H2O का फार्मूला तो अभी अभी इस सदी में जाना गया, और आदमी तो करोड़ों सालों से जी रहा है, और आदमी ही क्यों, अरे जानवर भी पी रहे हैं, पशु भी पी रहे हैं, पक्षी भी पी रहे हैं, पशु पक्षी ही क्यों, वृक्ष भी पी रहे हैं, बिना ही जाने कुछ पता ही नहीं पानी का शास्त्र क्या है और पिए जा रहे हैं। देखते हो यह धांधली कुछ होश है या ना हवास, वृक्ष पी रहे हैं पानी, पी ही नहीं रहे, मस्त हो रहे हैं, पीकर नाच रहे हैं हवा में, सूरज के किरणों में फूल खिल रहे हैं, कोई फिक्र ही किसी की पड़ी नहीं, एक वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए, ऐसा पानी का रसायन भी आता नहीं है, इसे अभी पानी का सूत्र भी मालूम नहीं है, और खिले जा रहे हैं और हंसे जा रहे हैं,
और सुगंध उड़ाए जा रहे हैं, प्रकृति में मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लाज शर्म भी होती है। अज्ञानी होकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करो, अज्ञानी होकर ज्ञानी की मस्ती दिखला रहे हो। अच्छा है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं, नहीं तो वृक्ष प्यासे कब के मर जाते, कब के फूल कुमला जाते, रात रानी भी गंद ना होती, जूही से श्वास ना उड़ती, गुलाब न खिलते, कमल न खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी ही नहीं जी सकता था। जानवर जानना और अनुभव अलग अलग बात है, इसलिए पीने पर जोर है। पीवत राम रस लागी खुमारी, पियो। और इसलिए कबीर नानक फिराद रैदास जादो इनके पास एक और तरह की तीर्थ निर्मित हुआ। यूं तो जैनों के 24 तीर्थंकर हमने तीर्थ बनाते देखा, मगर उनके तीर्थ बड़े तर्कबद्ध है, बहुत तर्कबद्ध है। कबीर ने भी तीर्थ बनाया, मगर वह तर्कबद्ध तीर्थ नहीं है, वह तीर्थ और ही ढंग का है, सत्संग का है। सदगुरु के पास बैठो, डोलो गाओ नाचो, कभी चुम्मी में कभी उसकी वाणी में, कभी चुप्पी में कभी उसकी वाणी में डूबो, कभी उसके मौन को पियो, कभी उसकी मुखरताओं को पियो, मुखरताओं को पियो, कभी उसके गीत को जियो और कभी उनके शून्य को। बैठो सत्संग में, चुप मौन खाली जैसा कोई प्याली, वह बस बरसे तुम प्याली में जगह हो। सदगुरु तो आषाढ़ के महीने पर महीने का जल से भरा हुआ मेघ है, तुम खाली हो जाओ भर जाओगे। नाचो जैसे मोर नाचते हैं आषाढ़ में, घिर गए मेघों को देखकर मेघ मल्लार उठने दो। और यही बात है। महावीर समझाते हैं तर्कपूर्ण ढंग से, विवाद करते हैं, खंडन मंडन है। कबीर के पास इन सब बातें नहीं है। कबीर के पास पियकड़ों की जमात है, और पीने को क्या है? राम रस। ध्यान रखना, यह राम रस से कोई प्रयोजन दशरथ के बेटे राम से नहीं, उनका तो रस कैसे बनाओगे? उसमें तो आदमखोर हो जाओगे, उसमें तो बहुत झंझट होगी। जब दशरथ के बेटे रामचंद्र को घिस घिस कर कोई भांग बनाओगे, क्या चाय बनाओगे, काफी बनाओगे, क्या करोगे? दशरथ के बेटे राम से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ राम रस से अर्थ है वह जो परम सत्य है, उसके लिए एक नाम है राम। कोई भी नाम दे दो, सब नाम उसके। राम कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, सब नाम उसके। कोई भी नाम दे दो, क्योंकि वह तो अनाम है, सब नाम काम चलाऊ है। और वह रस है ठीक वही सूत्र उपनिषदों का है, जो परमात्मा की व्याख्या करता है रस, वैसे वह रस है। रस का अर्थ ही होता है कि एक बूंद भी उतर जाए भीतर, प्यास सदा को बुझ जाए। इस रस को भीतर उतारने की कला को हमने इस देश में रसायन कहा था। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब तो केमिस्ट्री का अनुवाद रसायन शास्त्र हो गया। रसायन बड़ा प्यारा शब्द था, उसका आध्यात्मिक मूल्य था। केमिस्ट्री के रसायन ना कहो तो अच्छा, अल्केमी का नाम था रसायन। रसायन का अर्थ था सत्संग, जहां रस पकता है, जहां रस झरता है, जहां रस पिया जाता है। पीवत राम रस लागे कुमारी, और कुमारी शब्द बड़ा गहरा है। कुमारी का अर्थ होता है न तो बेहोशी न होश, दोनों और दोनों नहीं, कुछ होश कुछ कुछ होश कुछ कुछ बेहोशी, दोनों का मिलन जहां हो रहा है वह संध्या काल, जहां दिन मिलते हैं और रात मिलती है। ना कह सकते हो दिन, ना कह सकते हो रात, ऐसी ही एक भीतर अवस्था है। जब एक तरफ से देखो तो लगता कुमारी है, डोलते देखोगे मस्त होते देखोगे, दूसरे तरफ देखोगे पाओगे सब स्थिर है, स्थित प्रज्ञ हो को पाओगे। एक तरफ मीरा का नाच है तो दूसरी तरफ बुद्ध का मौन है, यह दोनों जहां मिल गए उसका नाम कुमारी।
बुद्ध से पूछोगे खुमारी तो बुद्ध उत्तर न दे सकेंगे, बुद्ध चुप रह जाएंगे, उनके अतर का शास्त्र में खुमारी न जमेगी। बुद्ध से सिर्फ होश की बात करेंगे, जागृति स्मृति महावीर भी विवेक की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे। जैसे कृष्ण मूर्ति एवरेन की बात करते हैं खुमारी की बात नहीं कर सकते, अर्नेस की बात करते हैं खुमारी की बात नहीं कर सकते। कृष्ण मूर्ति वही बुद्ध और महावीर की परंपरा के अंग है, उसी श्रृंखला के लाख इंकार करे, इंकार करने से क्या होता है। असल में इतना इंकार करते हैं उसमें, उससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगा ही हुआ कि कहीं मैं भी उस श्रृंखला में ना गिन लिया जाऊं। वह भय ही बता रहा है, लेकिन बात इतनी साफ है, बुद्ध जिसको समाहित करते हैं सम्यक स्मृति और महावीर जिसको वे कहते हैं, गुरजेप ने जिसको सेल्फ रिमेम्बरिंग आत्मस्मरण कहा है, कृष्ण मूर्ति उसी को अवेयरनेस कहते हैं। उसमें कुछ भेद नहीं है, शब्दों का भेद है, मगर उनमें खुमारी कहीं भी नहीं आती। हाँ, खुमारी बात मीरा कहती है, मीरा करती है, सहजो करती है, उमरख्याम करता है, अलही लज्जा करता है, शर्मत करता है, लेकिन सिर्फ खुमारी के बात करते हैं। उनके पास फिर होश का कोई सवाल नहीं। कबीर वही अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते हैं, बेहोशी की नहीं, होश की भी नहीं, दोनों के बीच संध्याकालीन जहाँ होश बेहोशी से मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं होश बेहोश हो जाता है, बेहोश होश हो जाती है। उस घड़ी का नाम खुमारी। खुमारी बड़ी अद्भुत दशा है, डोल भी रहे मस्ती में और जागे भी, नाचे भी, नाच भी रहे और जागे भी। गीत को उठने दो और साज भी छेड़ने दो, चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों से, और लफ्जों को चुप्पी के गजल गाने दो। खोल दो खिड़कियां सब और उठा दो पर्दे, नई हवा का जरा बंद घर में आने दो, नई हवाओं को जरा बंद घर में आने दो। छत से है झांक रही कब से चांदनी की परी, दिया बुझा दो आंगन में उतर आने दो। फिजा पे छाने लगी है बाहर की रंगत, जूही को खिलने दो, चंपा को महक जाने दो। जरा संभल संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के संगे पांव बहक जाने दो। हंसते ओठों को जरा चखने दो अश्कों की नमी, और नम आंखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो। दिल की बातें अभी झरने दो हर सिंगारों सी, बिना बातों की कभी आंख को भर जाने दो। रात को कहने दो कलियों की राज की बातें, गुलों को ओठों से उन राजों को खुल जाने दो। जरा गर्मी को अब उठने दो अपने पाँव पर, जरा आकाशों के बाहों को भी झुक जाने दो। कभी मंदिर से भी उठने दो अनाज की अजान की आवाज, कभी मस्जिद से घंटियों की भी बज जाने दो। पिंजर के तोतों को दोहराने दो झूठी बात, अपनी मैना को तो पर फूल चहकाने दो। उनके करने दो मुर्दा रसों की बर्बादी का गद, हम नहीं जमीन नया आसमां बनाने दो। एक दिन उनको उठा लेंगे इन सर आंखों पर, आज जरा खुद पे तो पांव को संभल जाने दो। जरा सागर को बरसने दो बनकर बादल, और बादल की नदी सागर में खो जाने दो। जरा चांद की नरम धूप में सेकने दो बदन, जरा सूरज की चांदनी भी भीग जाने दो। उसको खोने दो जो पास कभी था ही नहीं, जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। अरे हाँ हाँ, हम हुए हम लोगों के लिए दीवाने, अब लोगों को भी कुछ होश में आ जाने दो।
यह है सुख, यह है सच कि बहुत कड़वी है। मैं इस साकी की रंग लाएगी गर सांसों में उतर जाने दो। छलके छलकेंगे जाम जब छाएगी खुमारी घटा। जरा मख्यौर को पहचान, पैमानों को तो संभल जाने दो। जरा सारी जरा साकी की तेवर तो बदल जाने दो। न रहे मैं खाना न मैं खार, न साकी न शराब, नशे को ऐसे भी एक हद में गुजर जाने दो। इसको गाने दो अपना गीत पैरों ओठों से, उसको गाने दो अपना गीत मेरे ओठों से, और मुझे उसके सन्नाटे को गुनगुनाने दो। जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सधे पांव भग जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ने दो। वही घड़ी वह संध्या काल जहां मीरा होश में आ जाती है और जहां बुद्ध नाचने लगते हैं। उसका नाम है खुमारी, पीवत राम रस लागी खुमारी। आनंद मैत्रेय और निश्चय अनुभव चाहो तो कहो, तो कहो निर्वाण चाहो तो कहो ब्रह्म अनुभव। मगर एक बात तय है, यह परम पद है। परम पद का अर्थ होता है जिसे पिया तो पिया, जो चढ़ा तो चढ़ा, फिर उतरने का नाम नहीं लेता। जो उतर जाए वो वह भी क्या पीने योग्य है। शराब की पीने से शराब ही पीनी ही हो तो ऐसी पीनी चाहिए कि फिर उतरे नहीं, बार बार उतर जाए, फिर पीने पड़े और उतर जाए। यही तो हमारे जीवन की शैली बन गई है। कितने बार जन्मे, कितने बार वही काम किए, कितने बार हारे, कितने बार जीते, आकांक्षाएं लेकर चले जीती, कितनी आशाएं, कितनी बार निराशाएं, फिर वही। एक चक्कर है, कुल्हू के बैल की तरह घूमते चले जाते हैं। रोज रोज पीते हो, रोज रोज उतर जाता है, रोज रोज चढ़ाते हो, रंग रोज रोज ढल जाता है, रोज रोज बनाते हो, रोज रोज मिट जाता है। यह ताश के पत्ते और कब तक इनसे महल बनाने हैं, एक कागज के नाम और कब तक चलाने हैं। कुछ ऐसा पियो कि फिर उतरे ही नहीं, वही परम पद है। नाम उसे तुम जो देना चाहो, ब्रह्मानुभव कहो, भागवत अनुभव कहो, बुद्धत्व कहो, ये सब नामों का भेद है। नामों में बहुत उलझना मत, यह बुद्ध नाम से उलझी जाती है, यह बुद्धि नामों से उलझी जाती है, अटक जाती है। तुम तो पियो, तुम तो कंठ की सुनो, तुम तो प्राणों की भाषा समझो। मेरे पास जो निर्मित हो रहा है यह कोई मंदिर नहीं, मख्यान है, मैखाना है, यह मैकदा है। और मेरे पास आ गए हैं या कोई साधारण तथा किसी धार्मिक लोग नहीं, ये रीद है, ये पियक्कड़ है, ये परवाने हैं। और इसलिए बहुत मेरे साथ तुम्हारी भी निंदा होगी, मेरे साथ तुम पर भी बहुत गालियां बरसेगी। यह पीने वालों का हमेशा का भाग्य रहा है, इसे बदला नहीं जा सकता है। भीड़ ने सदा मस्तों के साथ यही दुर्भाव किया है, भीड़ यही दुर्व्यवहार जारी रखेगी। मगर पीने का मजा ऐसा ही है, कौन फिक्र करता है। सरमद ने चिल्ला कर कहा था कि मैं परमात्मा हूं, मुल्लाओं ने मौलियों ने साजिश की, सरमद को झुकाने की कोशिश की, धमकी दी, सिर काट देंगे। सरमद ने कहा, सिर काटो तो काटो, मेरा कुछ भी न काट पाओगे। और मैं तुमसे यह कह देता हूँ, मेरा कटा हुआ सिर भी यही चिल्लाएगा, मैं परमात्मा हूँ। कटने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी आवाज दिया जाऊंगा। और यही हुआ, दिल्ली के जामा मस्जिद में सरमद का सिर काटा गया। और जब सिर उसका सीढ़ियों पर गिरा मस्जिद और सीढ़ियों से लुढ़का, तो हर सीढ़ी पर ठहरा और चिल्लाया, मैं परमात्मा हूँ, अनहलक अहम ब्रह्मास्मि।
या शहद कहानी होगी, लेकिन कभी कभी कहानियां सत्यों से भी ज्यादा सत्य होती है। दीवाने मिट जाते हैं फिर भी उनकी आवाज नहीं मिटती, दीवाने मिट जाते हैं फिर भी उनकी दीवानगी नहीं मिटती, मस्तों को मिटाने की कोई उपाय ही नहीं है। यह जमात मस्तों की है और यहाँ तुम्हें और यहाँ तुम इकट्ठे हुए हो तो इसलिए कि राम रस पी लो, कि खुमारी लग जाए, नाचो और भीतर स्थिरता भी बने, भीतर स्थित प्रज्ञा अवस्था हो और बाहर परवाने का नृत्य देखा, बाहर परवाने का नृत्य देखा है परवाने को नाचते सम्मा के चारों तरफ, तुम्हारे भीतर भी चेतना तो सम्मा बन जाए, एक अखंड ज्योति अकंपित और तुम्हारा पूरा जीवन उसके चारों तरफ एक नृत्य बन जाए। इन नृत्य के और जागरण के मिलन का नाम खुमारी है। मेरे हिसाब से खुमारी का समस्त धर्म का सार आ जाता है।